दोस्तों जिसको भी HIV हो जाता है तो वो HIV को, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो HIV है वो एक बीमारी नहीं है, ठीक है। HIV एक बीमारी नहीं है, ठीक है। HIV का एक वायरस है जो हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, ठीक है। जैसे एक कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है, एंटीवायरस डाल के उसको बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसे ही एंटीवायरस ढूंढने की जरूरत है हमारे साइंटिस्ट को, रिसर्चर को, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक वायरस है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। वायरस निकल सकता है, बीमारी जैसे कंप्यूटर के अंदर अंदर कोई चीज टूट जाए, फूट जाए, कुछ हो जाए, ऑर्गन डैमेज हो जाए, उसको तो बोलते हैं बीमारी। तो ये बीमारी नहीं है, ये किसी भी ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी भी ऑर्गन को। करता क्या है, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी यानी कि ताकत, प्रतिरोधक अक्षमता, यानी कि जो बाहर से कोई एंटीजन यानी कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक अक्षमता होती है यानी कि जो सेल होते हैं जो बाहर वाली बीमारी से लड़ते हैं, उस सेल को ये क्या करता है, खत्म कर देता है ये वायरस। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब किसी इंसान को HIV का इन्फेक्शन होता है यानी कि HIV का वायरस जब उसके शरीर में आता है, तो शरीर के अंदर एक स्पेशल सेल होते हैं जिसका नाम होता है टी सेल, जिसको CD4 भी बोलते हैं। उस सेल के अंदर जाके ये बैठ जाता है और छुप जाता है, बिल्कुल अंदर की तरफ जाके छुप जाता है। तो इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट, जो भी बोलते हैं क्योर या फिर वैक्सीन आनी, इसीलिए थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि ये छुप जाता है। इसको लेंटी वायरस भी बोलते हैं, लेंटी वायरस का मतलब जो छुप जाता हो, राइट। तो ये एक वायरस है, कोई बीमारी नहीं है। छुप के क्या करता है, क्या करेगा, ये छुपने के बाद अपनी कॉपी बनाएगा पहले तो, यानी कि अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, जैसे एक है दो बना लेगा, 3, 4, 5, उसके बाद क्या करेगा, जिस सेल के अंदर छुपा हुआ उसको कर देगा खत्म। खत्म करने के बाद फिर एक नया सेल ढूंढेगा, यानी कि अपनी तो कॉपियां बढ़ाता रहेगा, अपने आप की अक्षमता बढ़ाता रहेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा, और हमारे शरीर के अंदर जो सेल है जो हमारी रक्षा करते हैं उनको ये खत्म करता चला जाएगा। जब ये खत्म करता चला जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आना शुरू हो जाते हैं, बुखार आना शुरू हो जाता है, शरीर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, लिम्फ नोड सूज जाते हैं, यानी कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इम्यूनिटी कम होने की वजह से। इम्यूनिटी कम कौन करता है, HIV का जो वायरस है। तो इसको रोकने के लिए दवाइयां बनी हुई है, ठीक है। अब देखो बहुत सारी दवाइयां मार्केट में HIV की आई हुई है, पहले से आई हुई है, जैसे ART की है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। ये दवाई आई है, डेली की एक लेनी पड़ती है, लेकिन देखो बहुत कई तरीके से HIV के ऊपर रिसर्च चली हुई है। जैसे मान लो कि वैक्सीन के ऊपर अलग ग्रुप रिसर्च करने लग रहे, और क्योर के ऊपर अलग से, और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स के ऊपर अलग से। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होती क्या है, देखो जैसे एक बार दवाई खाते हैं HIV की दिन में एक बार, लॉन्ग एक्टिंग में क्या होएगा कि या तो कोई इंजेक्शन आएगा या फिर कोई मुंह से यानी कि ओरल कोई ड्रग्स आएगी, जिसको एक बार लेने के बाद हफ्तों तक या फिर महीनों तक या फिर सालों तक आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके ऊपर भी टाइम टू टाइम रिसर्च चलती रहती है। लेटेस्ट रिसर्च मैं आपको बताऊंगा, देखो रिसर्च हम जब तक मानते हैं जब तक वो दवाई आप तक नहीं पहुंच जाती। मान लो किसी चीज की रिसर्च हो जाती है, रिसर्च हुई है लेकिन आप तक वो दवाई नहीं पहुंची है, तो उस रिसर्च का आपको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक वो अपने पूरे चरण पूरे करने के बाद मार्केट में आ जाएगी, मार्केट में आने के बाद जो पेशेंट हैं, HIV के मरीज हैं, जब उनकी जान बचना शुरू हो जाएगी तो तभी उस दवाई का फायदा होता है। देखो कोई भी दवाई होती है, ज्यादातर जो कंपनियां हैं अमेरिका की कंपनियां हैं जो HIV के ऊपर जो रिसर्च जिसने चलाई हुई है,
तो अमेरिका की जो कंपनी होगी, तो साफ सी बात है जब भी कोई रिसर्च चलेगी या फिर फर्स्ट फेज किसी वैक्सीन का पूरा होगा या फिर कोई ड्रग्स नई बनाई जाएगी, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स या फिर क्योर्ड कोई टेक्नोलॉजी ढूंढी जाएगी, तो वो एफडीए से अप्रूव करानी पड़ती है। जब एफडीए यानी कि फूड ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक एजेंसी है अमेरिका की, ठीक है, सेफ्टी का ध्यान रखती है ये, तो ये अप्रूव कर देगी। अप्रूवल होने के बाद फिर क्या होगा, आगे उसके ट्रायल चलते जाएंगे, जो जो ट्रायल पूरे होते जाएंगे फिर दोबारा फिर एफडीए उसको अप्रूव करेगा अगले ट्रायल के लिए। तो ऐसे ही ये सारी चीजें चलती हैं, ऐसे ही दवाइयों में चलती हैं। तो देखो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पे CROI पता क्या, एक कॉन्फ्रेंस होती है अमेरिका के डेनवर के अंदर, कॉन्फ्रेंस होती है एचआईवी के ऊपर या फिर बीमारियों के ऊपर, ठीक है। ये 31वीं जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कस किया गया, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 3-6 मार्च 2024 को अभी हुई थी, एक दो महीना पहले, दो तीन महीने पहले हुई थी। उसमें पूरी दुनिया के जितने भी एचआईवी के ऊपर जो रिसर्च चली हुई है, यानी कि एचआईवी जो जितनी भी कंपनियां हैं उनके जो रिसर्चर हैं, वो सारे एक मंच पे आ जाते हैं और ये डिस्कशन करते हैं कि वैक्सीन कहां तक पहुंची है, क्योर कहां तक पहुंचा है, कौन से फेस में है, यानी कि उसको क्या करना चाहिए, ट्रायल करते हुए वैक्सीन का क्या करना चाहिए और लॉन्ग एक्टिंग दवाई के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि अपना अपना वहां पे स्टेटस बताते हैं। तो फिर देखो इस मीटिंग में हुआ क्या, इस मीटिंग में बहुत सारे रिसर्चर ने बताया कि हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मल्टीपल, यानी कि उसने बताया मल्टीपल ऐसी टेक्नोलॉजी, मल्टीपल ऐसी ड्रग्स जो भी फर्स्ट फेज सेकंड फेज ट्रायल बेस पे है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, जो कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो एक बार खाने के बाद महीने तक, 6 महीने तक दोबारा दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग हर रोज ART की दवाई खाते हैं, एंटी रेट्रोवायरल की दवाई खाते हैं, बहुत लोगों के लिए तो ये दवाई खानी बहुत मुश्किल हो जाती, उनको याद रखना ही मुश्किल हो जाता है। कई लोग तो वैसी ऑफिस में पहुंच जाते हैं बिना दवाई खाए, फिर ऑफिस से या तो वो भागे भागे आएंगे या फिर घर से वहां पे दवाई मंगवाएंगे, ऐसा भी होता है। कई लोग बिना खाएं, जैसे पूरा दिन दवाई नहीं खाई, सो जाते हैं, फिर याद आएगी दवाई नहीं खाई, तुरंत खाएंगे उसको, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन देखो अब आने वाले टाइम पे क्या है, ऐसी ऐसी दवाइयां आ जाएंगी कि जिससे आपको कई महीनों में एक बार खाने की जरूरत पड़ेगी। इसी के ऊपर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, 2022 मार्च में एक दवाई, एक ड्रग्स जिसको एफडीए ने अप्रूव किया था, देखो ये बहुत जगह पे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज के टाइम, आज प्रेजेंटली टाइम पे ये भारत के अंदर जेरनिक में अवेलेबल है। मैंने पहले भी बताया था एक ब्रांडेड होती है, एक जेरनिक होती है, जेरनिक में दवाई थोड़ी सी सस्ती मिलती है। तो एचआईवी जो पेशेंट हैं, जो एआरटी की हर रोज दवाई खाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये भारत में जेरनिक में अवेलेबल है। देखो बहुत सारे पेशेंट तो खाने भी लग रहे होंगे, बहुत सारे पेशेंट को इसके बारे में पता भी होगा। देखो अपना जो एक्सपीरियंस है, देखो वो आपने शेयर जरूर करना है, जो ये मैं दवाई बताऊंगा, जो जिसको इसके बारे में पहले से पता था, ये जो इस दवाई को लेने लग रहे हैं उसके साइड इफेक्ट क्या है, क्या इसमें दिक्कत आती है, कितना इसके अंदर फायदा है, तो आपने इसके बारे में अपना जो अनुभव है वो जरूर शेयर करना है इस वीडियो के अंदर, यानी कि आपने जो मैसेजिंग के थ्रू आपने जरूर शेयर करना है ताकि दूसरों को इसका फायदा हो सके। अब मैं आपको बताऊंगा वो दवाई कौन सी है, देखो वो दवाई है कैबोटेग्रेविर और रिप्लीविर, कैबोटेग्रेविर और रिप्लीविर, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, मेरी वीडियो में भी पहले भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में और मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन ये शायद नहीं बताया था कि ये इंडिया के अंदर अवेलेबल है, लेकिन ये इंडिया के अंदर अवेलेबल है। इसका नाम है कैबेनुआ, कैबेनुआ बोलते हैं, कैबेनुआ एक शॉर्ट नेम हो गया और कैबोटेग्रेविर रिप्लीविरिन ये हो गए दो ड्रग्स इसके अंदर होगी। तो ये दवाई भारत के अंदर अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। अब देखो एक आइडिया से मैं बताऊंगा कहां कहां अवेलेबल है,
दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में, पुणे में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, ये छत्तीसगढ़ में, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है ये दवाई। अब इस दवाई को लेंगे कैसे, कैसे इस दवाई को मंगवाएंगे? देखो बहुत सारी साइट्स हैं, आप कैबेनुआ आप गूगल के ऊपर डालना, कैबेनुआ ड्रग्स इन इंडिया ये डाल देना। डालने के बाद उसकी कॉस्ट आ जाएगी, क्लिक करोगे एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस पे क्लिक करने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। देखो जहां से आप दवाई मंगवाते हो पहले तो उससे बात करनी पड़ेगी, आपने अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, जो एआरटी की आप दवाई खाते हो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जब डॉक्टर आपको अप्रूवल दे देता है तो वो लेटर हेड पे वो दवाई लिख के देगा, लिख के देगा, रिकमेंड करेगा आपको। रिकमेंड करने के बाद जब आप किसी साइट से मंगवाते हो तो वो आपको अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो अपलोड करने के लिए बोलेगा, सेंड करने के लिए, वो सेंड कर देनी है आपने। सेंड करने के बाद फिर आपको आपके घर पे वो दवाई आ सकती है, उसके बाद डॉक्टर की देखरेख में आपने वो दवाई खानी है। और ये जो जैसा मैंने बताया कैबेनुआ और रिपलीविरिन, ये इंजेक्शन आते हैं, एक महीने का भी आता है, दो महीने का भी आता है, लेकिन इस चीज का नहीं पता कि महीने का कितने का आता है, दो महीने का कितने का आता है। जो भी इस दवाई को, ड्रग्स को अभी यूज कर रहा है, अभी खा रहा है, तो इस वीडियो के बाद आपने मैसेजिंग के अंदर, वीडियो देखने के बाद मैसेजिंग के अंदर जरूर डालना है। और जो नहीं खा रहे हैं तो उन्होंने भी अपना जो इंटरेस्ट जो उनका है ये खाने का, उन्होंने जरूर बताना है कि अभी वो कौन सी दवाई खा रहे हैं और क्या ये दवाई वो खाना चाहते हैं। अगर वो दवाई खाना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी साइट के ऊपर, आप गूगल के ऊपर ये लिख के इसका आ जाएगा, आपको लिंक वहां क्लिक करोगे, कंपनी आ जाएगी, कंपनी क्लिक करोगे, वहां से आपको ये दवाई अवेलेबल हो जाएगी। ये इंजेक्शन है, महीने में एक बार लगवा सकते हैं, फिर दो महीने में एक बार लगवा सकते हैं। पूरी जानकारी तो आपको डॉक्टर बताएगा या फिर जिससे आप परचेज करोगे वो आपसे पूछेगा महीने वाली खरीदनी है कि दो महीने वाली खरीदनी है। तो देखो कुछ साइट्स पे इसका रेट आया है 3168 पर बोतल, इसको बोलते हैं पर बोतल में। अब एक इंजेक्शन है, दो है, क्या है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। यहां से लेकर 3168 से लेकर 10,000 तक इसकी कॉस्ट है। अब 10,000 क्यों है, क्या पता वो दो महीने वाली हो, तो वो तो जब आप मंगवाओगे जब इसके बारे में पता चलेगा। और देखो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां से आप मंगवा सकते हो इस चीज का। देखो हम YouTube के ऊपर आपको नहीं बता सकते क्योंकि फिर एडवर्टाइजमेंट होती है दूसरी कंपनी की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।